हेलो गाइस, कैसे गए पब्लिक? जो भी मेरे चैनल पर सबसे नया है, जाओ जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर ही पूरी वीडियो देख लेना। आज गाइस हम लोग फिर से किचन में आ चुके हैं, मैं और मम्मी, क्योंकि मम्मी आज एक स्पेशल डिश बनाने वाली है जिसको शायद तुम लोगों को ये डिश ज्यादा मतलब बनाने आता ही नहीं होगा बहुत लोगों को। सो आज मेरी मम्मी हेल्प करेगी तुम लोगों को ये डिश कैसे बनाते हैं। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं। मम्मा क्या डिश का नाम है? व्हाइट सॉस चीज पास्ता बना रहे मम्मी। सो ये मेरा और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट और मम्मी को आता है, ठीक है। सो मैं ना मतलब अभी मम्मी है ना सब ऐसे काट कूट के रख रहे, वो क्या है चीज है ना, ओके मम्मी अभी ना चीज को ग्रेट कर रहे हैं। चीज ग्रेटेड चाहिए इसके लिए, ठीक है शुरू करते हैं हम लोग। मैं बता देती हूँ चीज ग्रेटेड चाहिए, इसके बाद इसमें मिर्ची और फिर चाहिए तो डाल देगा, मिर्ची अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो डाल देना और कोथमीर, ठीक है ये चाहिए। और चीज मम्मी अभी फिलहाल ग्रेट कर रहे हैं, तो चीज भी कितना चीज डालने का, हम लोग कितना ज्यादा चाहिए उतना चीज डाल सकते हैं, चीज से कुछ खराब नहीं होता, टेस्ट होता है। और क्या बोला आपने? कांदा, ओके कांदा, मिर्ची अगर चाहिए तो कोथमीर और फिर चीज, काला मिरी पाउडर और चीज एक पूरा मम्मी स्लैब डाल रहे हैं, तो तुम लोग भी अगर बना रहे हो तो एक पूरा स्लैब डाल देना, बहुत टेस्टी होता है। लूना मेरे पैर के इधर आके खड़ी हुई है। यस मैम, यस आपको देखना है इन लोगों को। आज मेरे बाबा, आजा 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 मेरे भोंगरियो, ये देखो मेरे बाबू से मिलो, बाबू से बाबू, आई बोलो, हाय बोलो इन लोगों, हाय बोलो। इसको बहुत मजा आता है ऐसे उठाएगा तो, ओह माय गॉड। हाँ ठीक है, तो अभी मम्मी जब तक ग्रेट कर रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके? ओ शिट, मैं बताना भूल गई, गर्ल्स एंड बॉयज किचन में आते हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे बाल ऊपर हो जाने चाहिए, ठीक है हमेशा जो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ। ये टाइम पे तुम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, हालांकि मैं तो फिर भी अच्छी दिख रही हूँ। सो गाइज ये देखो 350 ग्राम्स का पास्ता का पैकेट है, ये देखो कौन सा है, फैबस्टा का है। हम लोग अभी है ना सब कुछ फैबस्टा का ही लेते हैं, वो स्टार बाजार में ना स्टार बाजार का खुद का ब्रांड आया है फैबस्टा, जो कि सस्ता भी है और बहुत अच्छा रहता है हम लोग के प्रोडक्ट्स, तो हम लोग फैबस्टा ही यूज करते हैं। तो एक पैकेट के लिए मम्मी ने एक पूरा स्लैब क्या बोलते हैं उसको, चीज ग्रेट किया है, ठीक है चलेगा। तो तुम लोग उसी हिसाब से बनाना, ठीक है 350 ग्राम्स का पैकेट है, तो उसके हिसाब से तुम लोग सोचना तुम लोगों को कितना चीज डालना है, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा यम्मी खाना होता है। वो क्या कर रहा है बताओ? पास्ता का बॉईल करने के लिए पानी में रख रही हूँ, इसमें नमक डालूंगी। एक मिनट ना, तुम लोगों को बताती हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं। सो मम्मी ने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, उसमें नमक डाला है और अभी उसमें पास्ता डालेंगे। वो क्या करते हैं जो छुट्टा छुट्टा नहीं होने का, उसके लिए छुट्टा छुट्टा होना चाहिए पास्ता, उसके लिए तेल डालते गाइस, तेल डालने का, ठीक है। तो वो कैसा जो पास्ता रहता है वो ऐसा छुट्टा छुट्टा हो जाता है, चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है। अभी क्या कोथमीर बाद सब काट नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कर ना। हो गया है मिर्ची, कोथमीर और कांदा, कांदा एकदम बारीक काटना है। अभी हम लोग डालेंगे पास्ता पानी में, इतना अवस्था हम लोग अभी पास्ता लाला मम्मी ने पानी में बॉईल होने के लिए, एकदम ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा कड़क रहना चाहिए, ताकि बोलते हैं ना वो पास्ता, क्योंकि बाद में भी हम लोग ऐसे उसको स्टर करने वाले हैं चीज वीज के साथ, तो वो ज्यादा एकदम ये नहीं होना चाहिए, चिपकू चिपकू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस मम्मी ने पानी में पास्ता डाल दिया है और बॉयल होने रख दिया है।
सो गाइस ऐसा है ना, ऐसा करते करते ना चेक करने का, ठीक है? ये ना देखो, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ये देखो, ये ना पास्ता को है ना, पास्ता को है ना एक एक ऐसा निकाल के खा के देखने का, चेक करने का, थोड़ा सा एकदम अनकुक्ड रहेगा ना तभी तुम लोगों को इसको बोरिए में ऐसे निकालना, पानी हटा देना है और इसको ऐसा छुट्टा ठंडा होने के लिए रखना है। ओके ओके, मैं हूँ शेफ देसी मुर्गी, तुम लोग मेरा सुन के करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो गाइस वो ना पक गया है, मम्मी ने उसका पानी निकाल दिया। मम्मी रुमाल के, अरे ऐसे रख दिया तो पानी ऊपर नहीं आ जाएगा, उसको टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ठंडा पानी डालने का ऊपर से, तो वो कैसा ना चिपकेगा नहीं, ठीक है? हाँ, ठंडा पानी डालते रहने का, वापस ये रखने का, और फिर क्या उसी में मसाला वसाला करने का ना। रुको मैं बताती हूँ नीचे करके। सो अभी अभी क्या मस्का डालना है इसमें, कितना मस्का डालने का, अंदाजे के हिसाब से करने का क्या सब? अब एक प्रॉपर बताओ ना कि एक वन एंड हाफ स्पून, वन स्पून पूरा भी डाल सकते हो क्या माँ? सो इसमें मम्मी ने मस्का डाला है, मस्का डाला है और फिर घी भी डालना है, ठीक है? दो चम्मच घी और दो चम्मच मस्का डाला मम्मी ने। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पानी हो जाए मस्का। तुम लोगों समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा तो कमेंट करके पूछो तुरंत। अभी इसमें हम डालेंगे कांदा, मुझे लगा ये होगा कांदा उड़ेगा लगा मुझे, ब्राउन होने का था नहीं ना, तो ओ कांदा ब्राउन होना चाहिए गाइस। हम मिर्ची भी डाल दिया इसमें, ठीक है? मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ तुम लोग को क्लियरली दिखे। चार चमची मैदा, क्या ये चार चम्मच मैदा, चार क्या टेबल स्पून गाइस, चार टेबल स्पून मैदा। मैं मिक्स करती रहती हूँ, आप मुझे दे दो, आपने चार से ज्यादा लगा, चार ही वो दे दो ना, कॉन्फिडेंस नहीं तो धीरे गाढ़ा नहीं होने का, पत्ते बराबर ही करो। क्या कर रही है? बर्फ रख, बर्फ पानी में बर्फ रख। पानी हो गया, डालो उसमें, ठीक है? डाल रहा हूँ हमारी काला मिर्च, काला मिरी डालने का थोड़ा सा मतलब ऐसा एक चिम चिट एक चुटकी काला मिरी गाइस, सिंदूर की जगह पे काला मिरी डाल दो। ओके आपको पता है सिंदूर खाने से क्या होता है? गला खराब होता है, मालूम है आपको ये? ये देखो ऐसे पानी होना चाहिए, बड़ा क्या गया से? अभी इसमें हम लोग डालेंगे जो भी ग्रेट किया था ना सबसे पहले, उसको चीज को डाल देंगे। वो थोड़ा फैला के नहीं हो रहा है, ये तो हो जाएगा ना पानी। अभी ना हम लोग ऐसे इसको मिक्स करते रहेंगे, ये जो चीज डाला है ना वो भी ऐसा पानी हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो करते हैं। इसमें कोथमीर डाल दिया मम्मी ने, फेंक दिया, को पता ही नहीं चला डाल रहे मम्मी, बताया भी दे।
अब इसको तो हम लोग थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं हाउ इज इट। डालो नमक, मेरे को नहीं समझ रहा, आप डाल दो। दे इधर लप नहीं ना, कभी भी गाइस टेस्ट करके देखना खुद का खाना अच्छा है कि नहीं किसी को सर्व करने से पहले। तो क्या जुगाड़ू के लिए हम लोग बोलते हैं ना, अगर कोई आया है तो ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं। मैं करती हूँ ना, मुझे मजा आ रहा हो गया। इसके बाद पास्ता कब डालने का अभी? ओके ये हो गया रेडी, इसमें पास्ता डालेंगे हम लोग। वाओ लुक्स यम। मम्मा फेंको मत मेरे ऊपर, गिरेगा। किधर फेंक रही हो? Oh my God, guys, look at this. इतना इजी है, मेरे को तो लगा था बहुत हार्ड है ये बनाना का। सब बस डाल के मिक्स कर दो। उसमें मक्का भी डाल सकते हो, देखा तो। नहीं चाहिए कॉर्न, अगर किसी को पसंद होगा तो गाइस कॉर्न भी इसमें तुम लोग। कॉर्न डालते हैं यार, कॉर्न अगर पसंद होगा तो कॉर्न भी तुम लोग। ग्रीन पीस डालते हैं, ग्रीन पीस भी डाल सकते हो। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे इसको बॉईल होने का। क्या अभी बस हो गया, बंद करो गाइस, हो गया हम लोग का पास्ता रेडी। मेरे को एक प्लेट में चाहिए चमची, एक प्लेट में डालती हूँ मेरे दोस्तों को बताने के लिए। ए, वो नहीं, एक अच्छा सा सजावट वाला प्लेट। इसमें डालती हूँ, अब रात का खाना यही है गाइस। बहुत हैवी हो है बट मजा आता है खाने के लिए। इवेंचुअली हम लोग दूसरा दिन सुबह भी, अरे वो अच्छा दिखना चाहिए ना गाइस प्रेजेंटेशन। मैं तुम लोग को बाहर लगे जाके दिखाती हूँ। चलो हेलो गाइस, तुम लोग को दिख रहा है ये सब ना, गांव जाने की तैयारी हो रही है। मम्मी लोग गांव जाने वाले ना, तो मम्मी लोग ने अभी से रेडी स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस हम लोगों का वाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। ये देखो, ओ शिट, तुम लोग को अच्छा दिखाने के चक्कर में ये क्या हो गया। चलो खाई लेते, चलो बहुत पसंद आते हो, खा ही लेती हूँ। ये तुम लोग ना स्कूल के बच्चों को, फिर ऑफिस में जाने वाले लोग, मैं ऑफिस जाती थी तो मैं यही ये बहुत बार लेके जा चुकी हूँ और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आता था। ये देखो व्हाइट सॉस, गिरना नहीं चाहिए। व्हाइट सॉस पास्ता इज रेडी, हम लोग टेस्ट कर। मम्मा चम्मच लेके आएगा, सॉरी सॉरी चम्मच लेके आऊँ मैं, एक बार टेस्ट करके बताती हूँ उन लोगों को। बहुत ही गर्म है वैसे तो, कैसे तुम लोग को दिखाती, रुको। ये देखो दिख रहा है, यम यम व्हाइट सॉस पास्ता। मम्मा ये क्या है ऐसा, इधर ऐसा रखा है। ओके टेस्ट करके देखते हैं। आ ये गर्म लग रहा है मेरे को एक्चुअली पकड़ने के लिए। आई नोट सिर्फ टेस्ट करना था, बट एक बार बार टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसको ऐसे रहने दो, ठंडा होने के बाद खाओ क्योंकि जवाब में लगता है। मैं चाहिए आपको एक बार खाओ ना, दे इधर बट तपे दे, रुको। अरे वाटी दे, रुको मैं खिलाती हूँ। गरम रहेगा तो अंदर पता रहेगा। मैं कैसा, मैं खुद खा रही हूँ तो ऐसा ऐसा बोलो मत, इतना गंदी नहीं हूँ मैं, शी ऐसा नहीं बोलने का। ऐसा टेस्ट करके दे सकते हैं। नमक नहीं है। आप कैमरा में दिख भी नहीं रहा है पता, आप ऐसा ऊपर बैठा तो। एक मिनट में तेरा कैमरा ऊपर करते हो, मस्त तो है ना। सो गाइस ये रेसिपी, थोड़ा चीज डाल सकते हैं। हाँ इसमें और भी थोड़ा चीज डाल सकते हैं अगर तुम लोगों को थोड़ा और ऐसा गाढ़ा ये चाहिए होगा, बट मुझे तो ऐसे ही परफेक्ट लगता है। सो गाइस ये रेसिपी तुम लोग ट्राई करना, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। तुम लोग को दुकान जाके ना कोई भी कंपनी का लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तुम लोग घर पे भी बना सकते हो। और अगर तुम लोगों को चाहिए ना कि मेरी मम्मी बना के तुम लोग को दे, तो पैसा देना पड़ेगा ऐसा। फ्री में नहीं, फ्री में मैं नहीं दूंगी। सो गाइस वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ, तुम लोग ने ट्राई किया कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, और कैसा हुआ टेस्ट वो भी मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना सब, बहुत सारा कमेंट चाहिए मुझे बहुत सारा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसी और रेसिपीज अगर मम्मी नया ने बनाएंगी तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाती जाऊंगी। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मम्मी भगा रही है तुम लोगों को, बाय बाय बाय।